हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं जो लटकन लेकर आई हूँ थोड़ा सा अलग है। देखिए, इस तरह से गोल्डन और ब्लैक कलर के कपड़े कैसे बना रहे हैं। सबसे पहले हम ये इसको ना डबल कपड़ा लिए, इसको अच्छे से ना स्केयर में ले लेंगे, स्केयर पीस में, चाहे आप दो दो इंच का लें चाहे तीन तीन इंच का। फिर इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है और यहाँ से ना एक निशान लगाएं तिरछा शेप का और इसको कट कर देना है। कट करने के बाद क्या करेंगे हम, ये देखिए, यहाँ से इसको सिलाई लगा देंगे और जैसे है ना निशान लगा है, जैसे कटिंग किया हमने, सेम वैसे हम इसको कट कर लेंगे, स्टिच कर लेंगे। अब स्टिच कर लिया तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पलट लेंगे यहाँ से या फिर उधर से, जिधर से मर्जी आप पलट सकते हैं, दोनों तरफ से ओपन है। अच्छे से इसको कोन भी बना देना है, इसको सील, इस तरह से हमने पलट लिया। और अब क्या करेंगे, हम सुई धागा लेंगे, इसको अच्छे से पहले कौन सा निकाल लीजिए, सुई धागा लेंगे और इसको क्या करेंगे, इस तरह से, चाहे आप सुई धागा से करिए या फिर आप डायरेक्ट मशीन पर भी इसको चला सकते हैं। और अगर आप सुई से करना चाहते हैं तो ऐसे आपने सुई से करना है और इसकी जो धागा होगी उसको अच्छे से खींचना होगा इस तरह से, ऐसे अच्छे से इसको गांठ लगा दिया है और ये इस तरह से फैलेगा। देखिए, इस तरह से स्टिच करने के बाद धागा को कट कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पर डोरी को अटैच कर दीजिए। डोरी को यहाँ पर लगा देंगे, डोरी लगा दिया है, एक्स्ट्रा कपड़ा जो दिख रहा है उसको कट कर दिया है। और अब क्या करेंगे हम, ये लटकन जो है इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके जैसे कट करते होते से राउंड में कट कर देना है। और ये देखिए, इसको पहले नीचे से सिलना है, ये उल्टा कपड़ा मैंने रखा हुआ है, आपने भी कपड़ा को उल्टा ही रखना है, अगर आपका कपड़ा सेम है उल्टा सीधा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कपड़ा को उल्टा रख के इसे नीचे से सीधा कर सिल दिया है और इसको फिर सीधा कर दिया है। सीधा करने के बाद हम यहाँ पर इसको अटैच करेंगे, इसको कवर करने के लिए यहाँ से इसको अटैच करेंगे। इस तरह से हमने जैसे हम लगाते होते हैं ना लटकन, वैसे इसको भी लगा लेना है। और अब इसको हम पलट देंगे तो ये कवर हो जाएगा, यहाँ से इसको कवर हो गया है, देख सकते हैं। उसके बाद अब आपकी इच्छा है कि आप कैसे इसके साथ बनाना चाहते हैं और डिज़ाइन, तो अब क्या करेंगे हम, फिर से कपड़ा लिए हैं और उसको भी इस तरह से फोल्ड करके कट्स लगा देंगे। और अब इसको हम इस तरह से, देखिए ये दिख रहा है, तो यहाँ से हमें अलग करना है इसको, इस तरह से अलग करके इसको भी जैसे हमने सिला था ना राउंड में, वैसे इसको भी हमें राउंड में सीना है। एक पीस हमें और चाहिए वैसे का, चाहे आप चार पीस लगा लीजिए, तीन पीस लगा लीजिए, वैसे एक और पीस चाहिए तो आपने इस तरह से कपड़ा को फोल्ड करने के राउंड शेप में इसको भी कट कर लेना है। जितना भी आप लगाना चाहते हैं उतना लगा सकते हैं आपकी इच्छा के हिसाब से। तो यहाँ पर ना मुझे यहाँ पर जो है ये पीस जो मिला, तो मैं इसको यहाँ से पहले नीचे से राउंड शेप में सिल दूँगी और उसके बाद इसको अलग कर दूँगी, या फिर आप जो अकेला अकेला हमने किया है उसको भी सिल सकते हैं, बाद में उसको कट करना ही है। अभी इसको भी सिल देंगे, यहाँ से इसको अलग करके सिल सकते हैं या फिर ऐसे भी जैसे मैंने पहले सिला वैसे सिल सकते हैं। अब इन सभी को सिलने के बाद इसका सभी को हम सीधा करेंगे, यहाँ से इसको अलग कर देंगे और इसको सीधा कर देंगे। एक ये हो गया पीस, वैसे ही सारा पीस तैयार कर लेंगे। तो पहले हम इसको सीधा करके यहाँ से सिलाई लगा लेंगे, अच्छे से चाप सिलाई देते हुए सिलाई लगा लेंगे, इसको भी सीधा कर लेते हैं, इसको भी इस तरह से सिल लेंगे फोल्ड करके। एक्स्ट्रा कपड़ा को कट करके इसको सीधा कर ले, ऐसे ही सारे के सारे मैंने तीन पीसेस जो है तैयार किए हैं। एक पीस छोटा है, दो पीस यहाँ पे आपको छोटे मिल जाएंगे और एक बड़ा पीस मिल जाएगा, तो आप चाहे तो मीडियम साइज़ के या फिर बराबर भी रख सकते हैं,
ये वाला थोड़ा बड़ा साइज मैंने ले लिया है। अब इसको भी सीधा कर लेंगे और अब इस तरह से हमें इसको सेट करना है। ये ले लेना है बीड्स, तो ये मैंने गोल्डन में लिया है मोती, और इसको पहले हम लगा लिए इसमें, और इसके साथ हम 5-6 जितनी मोतियाँ आपको इसके साथ डालनी है उतना डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 6 मोती लिया है, फिर इसको कवर कर दिया। अगर आपको ज़्यादा मोती पसंद है तो ज़्यादा ले सकते हैं। इसके साथ भी हम जितनी मोतियाँ हमने उसमें ली थी उतना ही इसमें भी डाल लेना है, और फिर इसको सील देना है। उसके बाद इसके यहाँ पर सीलना है, जो कोन है वहाँ लेकर आना है इसको सीलने के लिए, और अच्छे से इसको हम अटैच कर देंगे। मैंने डिफरेंट कलर का धागा लिया है, आप सेम कलर का धागा लें, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये हो गया हमारी लटकन तैयार। तो आपको ये लटकन कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। प्यारा सा लाइक भी जरूर करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो के लिए। तो चलिए आगे मिलते हैं आपसे ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।